हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप घर में उपलब्ध सामग्री से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक बर्तन में यहाँ पर लौकी ली है, जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ मैं 5 चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ। इसमें हम 2 टेबलस्पून चने की दाल डालेंगे, जिसको कि मैंने 2 घंटे भिगोकर रख लिया है। 1 प्याज मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। इसमें 1/4 से भी कम हींग डाली है और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ डाल दिया है। देखिए, तड़का तैयार हो गया है। अब इस तड़के को हम इस मिश्रण में मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 चम्मच में सफेद तिल डाल रही हूँ। इन सभी चीजों को हाथ से मिलाते हुए अच्छे से आटे के समान गूंद लेंगे। इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है। देखिए, इस किस तरीके की एक बड़ी लोई मैंने ले ली है। इसे पॉलिथीन के ऊपर रखकर मैंने बेलन में तेल लगा लिया है और इसे बेल लेंगे। आप इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलिए और इसे हम ग्लास या कुकी कटर से काट लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलकर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने से ये एक आकार में बनेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। ये जो लौकी के जो रेसे बाहर निकल गए हैं, इसे आप हाथ से दबाते हुए इस तरीके से ठीक कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे ठीक कर लिया है। देखिए, मैंने इसे इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम इसे डाल देंगे। इस तरीके से हमें सावधानी पूर्वक डालना है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। आप इसे एक बार घर में जरूर बनाइए। जो लोग लौकी नहीं खाते हैं, वो भी इसे बहुत पसंद करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।